मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है जो अपनी गुप्त और साहसिक गतिविधियों के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इस एजेंसी की स्थापना की थी। उन्होंने इसे केंद्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से संबोधित किया था, जिसका उद्देश्य देश की सुरक्षा के लिए अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। 1928 में जब इसराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो देश की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता थी। चारों तरफ अरब देशों के विरोध के बीच इसराइल की रक्षा के लिए एक सशक्त खुफिया एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई। मोसाद का गठन इसी संदर्भ में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य इसराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और विदेशी विरोधियों के खिलाफ गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना था। मुख्यालय और संगठनात्मक संरचना। मोसाद का मुख्यालय इसराइल की राजधानी तेल अवीव में स्थित है। इसे आधिकारिक रूप से मोसाद ले मोडीन वले तफकिदिम मेयुहदिम कहा जाता है, जिसका अर्थ है खुफिया और विशेष कार्यों के लिए संस्थान। मोसाद एक स्वतंत्र एजेंसी है जो सीधे इसराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। यह एजेंसी मुख्यतः 5 प्रमुख विभागों में बटी हुई है। विशेष ऑपरेशन विभाग, यह विभाग गुप्त मिशन, जासूसी और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का काम करता है। कलेक्शन विभाग, इस विभाग का कार्य विदेशी देशों से गुप्त जानकारी एकत्रित करना है। राजनीतिक कार्रवाई और संपर्क विभाग, यह विभाग विदेशी सरकारों और खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखता है। प्रौद्योगिकी विभाग, यह विभाग मोसाद को तकनीकी उपकरण और तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, इस विभाग का काम एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण करना और इसराइल की सुरक्षा नीति में योगदान देना है। मोसाद की कार्यप्रणाली और विधियां। मोसाद का कार्यक्षेत्र बेहद गुप्त और संवेदनशील होता है। यह एजेंसी अपने एजेंटों को कठोर प्रशिक्षण देती है, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण, हथियारों का उपयोग, जासूसी तकनीकें, विदेशी भाषाओं का ज्ञान और मानसिक मजबूती शामिल होती है। मोसाद के ऑपरेशन गुप्त होते हैं और इसके एजेंटों का असली नाम या पहचान उजागर नहीं की जाती। मोसाद की मुख्य कार्यप्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में केंद्रित होती है। विदेशी खुफिया जानकारी का संग्रहण। मोसाद का मुख्य कार्य विश्व भर में इसराइल के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित करना है। इसके एजेंट विभिन्न देशों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्यरत होते हैं, जैसे कि पत्रकार, व्यवसायी, छात्र आदि। साइबर सुरक्षा। 21वीं सदी में मोसाद ने अपनी साइबर क्षमताओं को भी विकसित किया है। यह एजेंसी विदेशी साइबर हमलों को रोकने और महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है। आतंकवाद विरोधी गतिविधियां। मोसाद ने अनेक बार आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए हैं। इसका उद्देश्य इसराइल की सीमाओं के बाहर भी उन लोगों को खत्म करना है जो इसराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। विशेष ऑपरेशन। मोसाद के विशेष ऑपरेशनों में दुश्मनों को खत्म करना, गुप्त दस्तावेज चुराना और बंधकों को छुड़ाना शामिल है। मोसाद के प्रमुख ऑपरेशंस। मोसाद ने कई ऐसे साहसिक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जो इतिहास में अपनी जगह बना चुके हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ऑपरेशनों का विवरण दिया गया है। ऑपरेशन एंटेबे, यह ऑपरेशन 1976 में हुआ था, जब एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 को 4 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर ले जाया गया। इस फ्लाइट में 248 यात्री सवार थे, जिनमें 106 इजरायली थे। मोसाद और इजरायली रक्षा बलों ने मिलकर एक साहसिक अभियान चलाया और सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। ऑपरेशन रेड ऑन ऑफ गॉड, यह ऑपरेशन 1973 के म्यूनिक ओलंपिक में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। इस हमले में 11 इजरायली एथलीटों की हत्या कर दी गई थी। मोसाद ने इस हमले के लिए जिम्मेदार ब्लैक सितंबर संगठन के सदस्यों का पीछा किया और उन्हें एक एक कर समाप्त कर दिया। ऑपरेशन प्लम्बैट, यह ऑपरेशन 1968 में हुआ था, जब मोसाद ने गुप्त तरीके से यूरोप से यूरेनियम का एक शिपमेंट चुरा लिया था। यह यूरेनियम इसराइल के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया गया। इस ऑपरेशन को बेहद गुप्त रखा गया था और इसे ऑपरेशन प्लम्बैट के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन डायमंड, यह ऑपरेशन 1966 में हुआ था, जब मोसाद ने इराक से MiG-21 जेट चुराने की योजना बनाई। इस जेट को सोवियत संघ ने इराक को बेचा था और यह दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान था। मोसाद ने एक इराकी पायलट को MiG-21 के साथ इसराइल आने के लिए राजी किया और इस प्रकार इसराइल को सोवियत जेट की तकनीक का अध्ययन करने का मौका मिला। ऑपरेशन एजेक्स, 1935 में मोसाद और CIA ने मिलकर ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्दिक को हटाने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया। यह ऑपरेशन ऑपरेशन एजेक्स के नाम से जाना गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान में पश्चिमी समर्थित सरकार को स्थापित करना था। मोसाद की आधुनिक रणनीतियां। मोसाद ने समय के साथ अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। यह एजेंसी अब सिर्फ पारंपरिक जासूसी तक सीमित नहीं है, बल्कि साइबर जासूसी,
आर्थिक जासूसी और तकनीकी जानकारी एकत्रित करने में भी सक्रिय है। साइबर ऑपरेशन। मोसाद के साइबर ऑपरेशनों ने हाल ही में दुनिया भर में चर्चा बटोरी है। 2010 में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने के लिए स्टक्सनेट वायरस का उपयोग किया था। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि मोसाद अब पारंपरिक जासूसी से आगे बढ़कर डिजिटल युद्ध में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। नई भर्तियों की प्रक्रिया। मोसाद की भर्ती प्रक्रिया भी बेहद गुप्त और कठिन होती है। इस एजेंसी में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत होना चाहिए। मोसाद के उम्मीदवारों को विभिन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डालकर उनकी प्रतिक्रिया देखी जाती है और केवल सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। निष्कर्ष मोसाद की खुफिया और साहसिक गतिविधियां इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक बनाती हैं। इसके ऑपरेशनों ने न केवल इसराइल की सुरक्षा को मजबूत किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मोसाद का इतिहास और कार्य प्रणाली हमें यह सिखाती है कि एक छोटी और सीमित संसाधनों वाली एजेंसी भी विश्व भर में अपने दुश्मनों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई कर सकती है।